फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में लहसुन के फायदे बताऊंगी। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आ चुका है, हर घर में लहसुन हमेशा पूरे साल होता है, किचन में हमेशा खाने में डाला जाता है, इससे खाने का स्वाद तो दुगना होता है। क्या आप जानते हैं कि इस सर्दी में जितनी भी परेशानियाँ होती हैं आपके बच्चों को, वो भी सारी दूर हो जाती हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते तरीके से। फ्रेंड्स, आपके बच्चे को जब भी सर्दियों में मोस्टली जुकाम, हमेशा हर किसी के घर में हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपके बच्चे को जुकाम होता है, आपके बच्चे को ठंड लग जाती है, तो फ्रेंड बच्चे के सीने से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और उसके सांस लेने में बहुत ही खड़खड़ाहट की सी आवाज़ होती है। फ्रेंड्स, वो आपके बच्चे को सोने नहीं देती। जब आपका बच्चा चैन से नहीं सो पाता तो फ्रेंड्स माँ बाप भी बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको भी नींद नहीं आती क्योंकि वो अपने बच्चे की बीमारी को नहीं देख सकते और सीधा वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर केमिकल वाली दवाइयाँ लिखते हैं और बस उन केमिकल वाली दवाइयों को आप अपने बच्चों को देते हैं। फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा दवाइयाँ देनी बिल्कुल भी सही नहीं है, आप अपने बच्चे को अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं, वो दवाइयाँ बिल्कुल खोखला कर देती हैं आपके बच्चे के शरीर को। फ्रेंड्स, ये इतना टेंशन वाला, इतना चिंताजनक मैं विषय आपके सामने लेकर आई हूँ जिससे कि आप हमेशा गुजर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी आज इस टेंशन को मैं ख़त्म करती हूँ कि किस तरह से आप घर पर आसानी से लहसुन से अपने बच्चे को सर्दी से दूर रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसको दबा देंगे तो फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बताते हैं आपको लहसुन इस तरह से लेना है। तो देखिए, आप मैंने ये यहाँ पर लिया है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके बच्चे के सीने पे मलगम कफ जम चुका है और बहुत ही ज़्यादा आपका बच्चा परेशान है, रो रहा है, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रहा है, ये मैं जो नुस्खा बता रही हूँ वो आप 3 महीने के बच्चे पर भी लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि लहसुन की जितनी भी कलियाँ होती हैं, फ्रेंड्स लहसुन की इस तरह से आपने कलियाँ लेनी है, आपने पूरा एक बड़ा लहसुन लेकर इस तरह से खोल लेना है जिस तरह से मैंने ये खोला है, पूरे जवे इसके अलग अलग कर लेने हैं आपने इस तरह से। इन जवों को आपने सिल्वर के बर्तन के अंदर डाल लेना है, गैस ऑन करके उस सिल्वर के बर्तन को आपने गैस पर रख देना है और फ्रेंड्स इन लहसुन के जवों को, इन लहसुन की कलियों को आपने उसके अंदर डालकर थोड़ी देर आपने सूखा चलाना है, जिस तरह से सूखा मसाला भुना जाता है इस तरह से आपने साबुत लहसुन की कलियों को चलाना है, इतना चलाना है कि ये अंदर तक गर्म हो जाए, इसके अंदर तक हीट पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स ये लहसुन जो है अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद में आपने एक कॉटन का कपड़ा लेना है, कोई भी रुमाल ले लीजिए, उसके अंदर आपने ये सारा लहसुन डालकर और एक पोटली बना लेनी है और उस पोटली से आपने अपने बच्चे की सिकाई करनी है। फ्रेंड्स आपने तेज नहीं करना है वरना तो आपका बच्चा रोएगा, आपने इतना करना है कि वो आपका बच्चा इसकी जो गर्मी है वो बर्दाश्त कर सके, सिर्फ इतना गर्म रखना है, ज़्यादा तेज़ गर्म से सिकाई नहीं करनी है। आपने इस तरह से उसकी पूरी छाती की चारों तरफ से सिकाई कर देनी है सामने से और उसके बाद में आप उसको ढक दीजिए और उसको सुला दीजिए, बहुत ही सुकून मिलेगा, उसका जो कफ है मलगम है जमा हुआ उसकी खड़खड़ाहट की जो आवाज़ है सारी ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स 3 दिन में ये आसानी से आपके बच्चे की कफ मलगम को दूर कर देगा। फ्रेंड्स तो और अब हम आपको बताते हैं कि इससे आपके बच्चे को अगर ठंड लग गई है तो किस तरह से दूर कर सकते हैं, खांसी हो रही है और खांसी नहीं जा रही है तो फ्रेंड्स किस तरह से खांसी को भी आप आसानी से दूर कर सकते हैं। अब जो मैं बता रही हूँ इतने बड़े बच्चे को दे देना है, जो आपका बच्चा खाना वगैरह खा लेता हो, रोटी खा लेता हो, उनको आपने ये देना है। आपने क्या करना है, इस लहसुन को पूरा आपने चूल्हे के अंदर भून लेना है, अगर आपके पास चूल्हा नहीं है तो फ्रेंड्स आप गैस के ऊपर चारों तरफ से अच्छे से भून लीजिए, इतना आपने करना है कि पूरा ये जल करके काला हो जाएगा ऊपर का, उसके बाद में आपने इसको निकाल लेना है, सारी कलियों को इसी तरह से आपने अलग अलग कर लेना है जिस तरह से मैंने
दिखाया है आपको भुनी हुई लहसुन की कलियों को, उसको छीलकर आपने नमक के साथ में अपने बच्चे को खिलाना है। 3 से 6 कलियां आपने सुबह सुबह के टाइम आप अगर खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप सोते टाइम लास्ट में जब बच्चा दूध भी पी ले तब आपको ये खिलाना है। फ्रेंड्स, आप कह रहे होंगे कि ये बहुत तेज़ लेगा, इसका टेस्ट बहुत तेज़ होगा, तो फ्रेंड्स आप कम से कम 2 कलियां तो बच्चे को खिलाई दीजिए, लेकिन वो भुना हुआ लहसुन जो होता है उसका टेस्ट तेज़ नहीं होता है, वो तेज़ नहीं होता है ज़बान के ऊपर, बहुत ही आसानी से बच्चा नमक के साथ खा लेता है। तो फ्रेंड्स हम यही करते हैं कि अपने घर में अपने बच्चों को लहसुन देते हैं भुना हुआ। आप किसी भी पुराने ज़माने के किसी भी आपके अपने घर में बड़े बूढ़े होंगे उनसे आप पूछ लीजिए तो लहसुन के बारे में वो यही कहेंगे कि हाँ, इससे आपके बच्चे की खांसी दूर हो सकती है, आपके बच्चे की ठंडक दूर की जा सकती है। तो फ्रेंड्स जब हमारे घर में ये आसान सी चीज़ें होती हैं तो फ्रेंड्स क्यों हम बेवकूफ़ों की तरह डॉक्टर के पास जाते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चे को केमिकल वाली चीज़ें दे रहे हैं और उस तरह से हम अपने बच्चे को केमिकल वाली चीज़ें दे देते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये नेचुरल चीज़ें अपनाइए और इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इससे आपके लिए भी फ़ायदा है, आपके बच्चे को भी फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की जानकारी जो मैंने आज आपके साथ में शेयर करी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।